अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे किस तरीके से वीडियो में रोटोस्कोपिंग की जाती है। रोटोस्कोपी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है, जिसके जरिए से हम किसी भी वीडियो के अंदर से हम अपने मतलूबा शख्स या मतलूबा जो भी चीज है उसको सेपरेट कर सकते हैं वीडियो से, यानी उसको कटिंग कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के इस्तेमाल के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर जो देखेंगे ये इस तरह देखें, रोटो ब्रश टूल ट्रैक और फॉरग्राउंड करके आ रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, देखिए तो ये आपने देखा, ये जो बटन है इसके जरिए से हम इसको यहाँ पर रोटोस्कोपी के स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा को आप इसको डबल क्लिक कर लें। इस वीडियो को डबल क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से विंडो आ जाएगी ये, यानी यहाँ पर एक और लायर करके एक नई विंडो खुल गई है। अब हम दोबारा यहाँ से ये ब्रश सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखें इस तरह का ये ग्रीन रिंग सा बना हुआ आ रहा है। ये ग्रीन रिंग सा जो बना हुआ आ रहा है ये इसकी सिलेक्शन है। तो हम यहाँ इस तरह देखिए आप, जब हम इस तरह करेंगे तो इस तरह ये सिलेक्शन ले लेगा। फिर आप थोड़ा थोड़ा एक एक क्लिक करते रहें, या आपको जैसे मतलब अगर बैकग्राउंड ज्यादा मतलब पीछे से क्लीन है तो आप वन क्लिक में भी आपका काम हो सकता है। लेकिन ये अगर ये थोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता होगा और ये फुटेजेस, और ये देखिए अब ये एक क्लिक करने के बावजूद भी यहाँ से अंदर गैप आ गया। तो अब अपने कीबोर्ड से आप ALT प्रेस करें। ALT प्रेस करने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग कर दें तो ये अंदर को मूव हो जाएगा। दोबारा ग्रीन से आप आहिस्ता आहिस्ता इस एरिया को दोबारा सिलेक्शन ले लें। जितने छोटे उस पर करेंगे उतना ही ज्यादा इजीली ये हो जाएगा। ये करने के बाद आपने देखा ज्यादातर एरिया सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद आप यहां देखें, ये एक एक ऊपर ये पैरामीटर्स टाइप आ रहे हैं और एक इसी तरह ये एक नीचे, ये देखिए आप ये एरिया जो है ये एरिया आपको आगे, ये देखिए ये डबल एरो आ गया जो कि इसको खींच कर आप ड्रैग करके आप आगे तक ले आए। ये इसलिए आया गया कि अब जो सी सिलेक्शन है आपकी ये सेव हो चुकी है, सेव हो चुकी है। जब आप इसको इस फुटेज को प्ले करेंगे और प्ले करेंगे तो ये पूरी ये जो रीडिंग्स है ये इसने सेव कर ली है। आपको मजीद आगे किसी क्लिप को आगे बढ़ाने के बाद ये अपनी रीडिंग को छोड़ेगा नहीं। इससे पहले आप अपने कीबोर्ड से ALT प्रेस करें और यहां पर साइडों में ड्रैग कर दें और ये दूसरी साइड भी ड्रैग कर दें। ये करने के बाद अब यहां से टॉगल ट्रांसपेरेंसी ये प्रेस करें, फिर उसके बाद प्ले कर दें। आपने देखा जितना एरिया आप यहां से नीचे से इस एरिया से लेंगे उतना उसको प्ले कर देगा। आपकी मर्जी है आप कितना मतलब उसको करना चाहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि यहां पर मजीद किसी किस्म की एडिटिंग की जरूरत है तो आप उसको प्ले को रोकें और उस जगह पर जहां पर आपको प्रॉब्लम नजर आती है, जैसे मैं समझता हूं मेरे को यहां प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो इसको जरूर क्लिक करें ताकि बैकग्राउंड इसका क्लीन नजर आए। फिर ALT प्रेस करके उस एरिए देखें, जब ये रेड हो जाए तो उस एरिए को ड्रैग कर दें। अब देखें ये एरिया इसने काट दिया और मुख्तलिफ किस्म की, और ये एरिया इस तरह, ये इसी तरह आप इस तरह करते रहें तो ये मतलब खत्म हो जाएंगे जो भी मतलब एक्स्ट्रा आपको एजेस नजर आ रहे हैं। अभी ये आपको जो एजेस हैं ये शार्प नजर आ रहे हैं, इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए स्मूथ का बटन है, इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाइए, अभी देखते रहिएगा।
तो ये जो से बॉर्डर्स हैं ये मजीद स्मूथ होते जा रहे हैं। देखिए ये काफी बेहद तक बेहतर हो गए हैं। तो इस इमेज को, इस फुटेज को हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उमूमन कोई भी, जैसे भी आपके पर्पस है, जैसे भी आपकी जरूरत है, तो ये बहुत ही जबरदस्त रोटोस्कोपी ब्रश का ये टूल है। और इसमें बहुत सारी चीजें आप मजीद कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन चलता हुआ जा रहा है, आप उसकी लेग्स गायब कर सकते हैं, कुछ भी ईटीसी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इस पे तजर्बात करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको इसका फायदा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा।